ये जो सम है थोड़ा सा ये तब आता है जब आपका पेपर आपका एग्जाम हार्ड आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप जो है डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में 5 नंबर के चैप्टर में से जो चैप्टर 5th है काफी कुछ करके जाते हैं, बट वहां पे सम आपको इस टाइप का मिलता है कि आप सोल्व ही नहीं कर पाते। इनमें हल्का सा लॉजिक होता है जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। हमारे पास है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स और अब लिखा हुआ है 2x-3 1-x2। आप इसके अंदर सोचिए 1-x2 में हम किस तरह से इस स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा काम है। आप कौन सा काम करेंगे, आप पुट कर लीजिए। आपने पुट करा मान लीजिए x के प्लेस में साइन थीटा। अगर आप x के प्लेस में साइन थीटा पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1-sin²θ, यानी कि ये आ जाएगा आपका cos²θ। तो बाहर क्या आ जाएगा, केवल cos θ। तो आपके पास हो चुका है ये 2, यहां पर आप किया है sin θ-3cos θ और अपॉन में आपके पास क्या आ गया है, √13। ये ऑप्शन आपके पास आ गया है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, हमने क्या करा, x के प्लेस में क्या पुट कर दिया, साइन थीटा पुट कर दिया। अब समझिए सर, अब इसके बाद आपको समझना चालू करना है, इसमें लॉजिक यहां से चालू होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व करने के लिए कोस इनवर्स और ये जो √2 है इसके अपोन में और इसके अपोन में ले लूंगा। इस तरह से आप अपोन में ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आपके पास क्या हो गया, 2/√13 sin θ, आई बात समझ में, -3/√13 और cos θ। ओके, बिल्कुल क्लियर है यहां तक? अब सोचो ये अगर आपका एग्जाम में कभी भी कोई सम इस तरह से फंस जाए और वो सम इससे आगे सोल्व होने का नाम ना ले, तो आपके पास ले दे के एक ही मेथड बचता है हमेशा, और वो रहता है कि आप इसकी वैल्यूज पे ध्यान दीजिए। अगर आप इसकी वैल्यूज को कुछ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यूज में रिलेशन आ जाएगा, यानी इन दोनों वैल्यूज में कुछ रिलेशन है, और वो रिलेशन किस तरीके का होगा मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपने पुट कर लिया, आपने लेट कर लिया है 2/√13 को कोस एल्फा, ये पुट कर लिया। बात यह आती है आपने कोस एल्फा ही क्यों पुट करा, ब्रदर देखिए हम इसका यहां पर रिलेशन बनाएंगे, कौन सा, cos A-B या cos A+B, ऐसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे यहां पर। ठीक है, तो मैंने यहां पर इसको मान लिया है कि ये कोस एल्फा है। अगर ये कोस एल्फा है तो आपको पता रहता है कि साइन एल्फा कैसे निकालेंगे। साइन एल्फा निकालेंगे हम इस तरह से, 1-√ के अंदर ध्यान है ना, 1-cos²α, और cos²α आपका कितना बैठेगा, 2/√13 का स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन। तो ये आपके पास कितना आ गया है, ये ऑप्शन आ गया आपके पास √13 का स्क्वायर 13। आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 13 और इधर आ जाएगा -2, ये आपका 4 हो जाएगा स्क्वायर के बाद, 2 का स्क्वायर, और अपोन में आपके पास कितना आ गया है 13। तो 13 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा ऑप्शन, 9, और 9 का आप क्या बोलेंगे 3, और 3/√13, ये आपके पास कौन आ गया है, साइन अल्फा। मेरी बात समझे, हमारे पास ये क्या था। अब देखिए आप समझने की कोशिश करना, यानी कि इन दोनों में रिलेशन था, मैंने आपको पहले भी कहा था ना ऐसे सवाल में इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अगर ये कोस अल्फा निकला तो ये बंदा कौन निकला, देखो ये निकला साइन अल्फा। तो मैं अब अपने इस सम को किस तरह से लिख सकता हूं, तो मैंने यहां पर लिख लिया वाई इक्वल टू कोस इनवर्स। बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम क्या लेके चलेंगे, हमारे पास ऑप्शन आ गया है sin θ और cos α। बात समझे ना, मैंने इसके साइन थीटा और इसके प्लेस में क्या रख दिया, cos α। माइनस इसी तरह से मैं इसके प्लेस में क्या रख दूंगा, यहां पर हम रख देंगे sin α। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया sin α cos θ, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं cos θ sin α। अब फिर से ध्यान देना, अब फिर से सोचो दोस्तों, ये किस तरीके का फॉर्मूला दिख रहा है अंदर आपको, यहां पर सोचने की कोशिश करो। ये आपके पास है sin θ और ये cos α, यानी कि कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है आपका sin α a-b sin θ-α, बन रहा है ना, 11th क्लास का है, तो हम लिखेंगे sin, आपके पास है
कि साइन जो हमारे पास ए माइनस बी होता है वो बराबर होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और सेम टू सेम आपका फॉर्मूला ये बन गया। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इसके प्लेस में इसको रखना है जो ये ऑप्शन है। तो y इक्वल टू आपके पास कितना आ गया सर, कोस इनवर्स, और यहां पर कितना आ गया है, इस पूरे के प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर मैंने लिख दिया है कितना ऑप्शन, साइन और थीटा माइनस अल्फा, ये ले लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। बट अब मैं, ये तो कोस इनवर्स है लेकिन ये साइन है, अगर मैं इसको भी किसी तरह से कोस बना दूं तो मेरे पास सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी, तो मैं इसको कोस कैसे बना सकता हूं। अब फिर सोचिए, आपने 11th क्लास में अच्छे से रीड करा था कि अगर आप इस बारे में सोचें कि आपके पास ध्यान है कि अगर हम ये करते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कि भाई अगर मैं ये कहूं कि कोस पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, इसमें सोचिए आप। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे पास ये थीटा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा मेरे पास थीटा है, तो मैं साइन थीटा को किस तरह से लिख सकता हूं, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, तो मेरे पास वाई इक्वल टू आ गया है कोस इनवर्स, और यहां पर आ गया है क्या लिख दूंगा मैं, कोस, और अब पाई बाई टू लिखूंगा ये वाला, और मेरे पास ये आ गया पाई बाई टू। अब मैं माइनस का साइन लगाऊंगा और माइनस के साइन के बाद मैं थीटा लिखूंगा, और इसका थीटा ये है, तो इसका थीटा क्या लिखा जाएगा, माइनस थीटा और माइनस पाई, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहां तक मैंने इसको इस तरह से रख लिया। अब आप काफी इजीली समझ चुके होंगे और काफी आसानी से अब आप यहां पर बोल भी सकते हैं कि अब आपने क्या करना है सर, अब आपके पास y इक्वल टू हो गया है कितना ऑप्शन, देखिए आपके पास यहां से हट गया तो y इक्वल टू आ गया है पाई बाई टू माइनस थीटा और माइनस अल्फा, ये तो आपका माइनस ही था, तो ये माइनस से ये माइनस पॉजिटिव हो गया तो प्लस अल्फा, बात समझ रहे हैं, ये बिल्कुल आपके पास आ चुका है। अब वैल्यूज रख दीजिए, y इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा को ढूंढिए, ये रहा सर थीटा, x बराबर साइन थीटा माना था, तो आपके पास यहां पर से जो साइन को उधर लेके जाओगे साइन इनवर्स x बराबर थीटा होगा, इस वैल्यूज को आपने यहां पर पुट कर देना है, तो आपके पास ये क्या आ गया, साइन इनवर्स x प्लस अल्फा। ये हमारा सारा का सारा प्रोसेस अभी केवल हमने क्या करें, सिंप्लीफाइड कर रहे हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाइड करने के बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो चलिए डिफ्रेंशिएट स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड हमने डिफ्रेंशिएट करा, और विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे, तो देखो ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन आ जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे जीरो हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन याद है वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अल्फा का डिफ्रेंशिएशन करोगे संख्या है जीरो हो जाएगा, यानी ब्रदर आपके पास आ गया है dy अपॉन में dx इक्वल टू कितना आ चुका है, माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके का जो सम होता है, कभी कभी हम इसे हाई ऑर्डर थिंकिंग यानी कि होट के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, और ये तब आता है जब आपका एग्जाम थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसमें आपको इस तरह से लॉजिक लगाना होता है। इसी तरह के और सम्स के लिए आप देखते रहिए हमारी वीडियो और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।